भारत में इंतहा पसंद हुकूमत के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की, मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर चलाकर गिरा दिया गया। बट इंडिया में चीमा साहब ऐसे, मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सरतन से जुदा या रहमानी का सरतन से जुदा, नोबडी हैज सेड इट। आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे। एम एफ हुसैन थे जो, जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में जो नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई थी उसको लेकर आपको पता है कि बहुत सारे रिएक्शन आए बहुत सारी कंट्री के, अरब कंट्रीज के। हालांकि अब अरब कंट्रीज शांत हो चुकी हैं और उल्टा वो उन्हीं पर एक्शन ले रही हैं जो अरब में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान का रिएक्शन तो आना ही था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज का भी रिएक्शन आया। आपको बता दूँ कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो इसको मतलब फैलाया गया वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा फैलाया गया। आपको पता है कि भारतीय मुसलमान टीवी पर आप देख सकते हो, ये केवल वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं और अपनी तरफ से दूसरे धर्मों के देवी देवताओं की कितनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं वो आप जानते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो जो नूपुर शर्मा का बयान था वो भी रिएक्शनरी था, और वो बयान कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, वो सभी ने, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, जाकिर नायक ने, बहुत सारे लोगों ने बोला है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं। जाने की कोशिश कर रहा है और ओआईसी को भी बताया है भारत में कि अगर आप मुझसे पूछे एज अ हिंदू शुड प्रॉफिट मोहम्मद बी रिस्पेक्टेड, ऑफकोर्स इसमें शक क्या है, इसमें डाउट क्या है, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। बट इंडिया में चीमा साहब ऐसे, मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सरतन से जुदा या रहमानी का सरतन से जुदा, नोबडी हैज सेड इट। आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे। एम एफ हुसैन थे जो बड़े फेमस पेंटर थे इंडिया के, और उनको पद्मा अवार्ड से भी उनको नवाजा गया और बहुत सर पे बैठाया गया। उन्होंने इंडियन देवी देवताओं की नंगी नंगी फोटोएं बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, फिर वो कतर शतर भाग गए वहां पे, पता नहीं बाहर कहीं भाग गए। मेरा ये कहने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि दिस रिस्पेक्ट कैनॉट बी वन वे। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं या मुस्लिम क्लर्जी है, मैं मुसलमानों को भारत के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स, राइट। अब आपको पता है हरिद्वार में जो स्पीच हुई थी जिसमें बोला था कि मुसलमान को मारो, आपको, यू आर अवेयर ऑफ दैट, जो हरिद्वार में हुई थी, राइट। तो केस वेस करा, लोगों को अरेस्ट करा, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बड़ा थू थू हुई दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम करा। पर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं का साफ कर देंगे, उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है। अच्छा, मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके। वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना, उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ, उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज, पर मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैन नॉट से दिस। तो चीमा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला। मैं नूपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नूपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी, आई सेंड वन और टू वीडियोस टू यू जो मैंने ट्वीट नहीं करे, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है, तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो। नूपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नूपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन, और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा। चीमा साहब, आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे, आपने कभी नहीं देखा होगा,
मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान पाकिस्तान आईएसपीआर यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ये मेरी एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं चीमा साहब, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूं या हो सकता हूं गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा तुम गाली खाओगे, ठीक है तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है, तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा। यार ये तो गलत चीज है, पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए, वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे, ये लोग क्या कहते हैं टीवी में, ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं ना। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together, say कि नूपुर शर्मा का सरतन से, ऐसे नहीं होता। नहीं मेरे सर ये बात ठीक है, आप एक कह रहे हैं कि ये उसका रिएक्शन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉन्टिन्यूसली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है जी के वर्शिप प्लेसेस वहां पे टारगेट होती है, ठीक है, कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना कि ये कहा जाए, जो जो आपका जो वर्जन है वो नहीं आ रहा दुनिया से जी, ये माइनॉरिटीज का वर्जन क्यों आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखें मैं तो सिंपली इस बात पे यकीन रखता हूं, मैंने मेरा आई थिंक मैंने कुरान में ये पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बात करूं, कि भाई तुम किसी के खुदा को झूठा ना कहो, ठीक है, ताकि कोई तुम्हारे खुदा को ना कहे, जो जिसको मानता है लेट हिम रिस्पेक्ट हिम ऑनर हिम, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, हर एक का हक है, वो जिस मजहब की पूजा करते हैं प्रस्तुत करते हैं जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए। ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर एक इंप्रेशन है, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम बट जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर टॉक, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंप्रेशन आ रहा है, और ये क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा कि हाँ जी मुसलमान जो है वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेशन आ रहा है ये सारी दुनिया ये क्यों करके क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जी ये मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये किसी की नहीं सुनते, सेफ्रोनाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया, तो आप इसमें ये तो देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव रिएक्शन है, ये मतलब आपका जो वर्जन है देयर इज नोवेयर ऑन द अर्थ, सो दैट मींस या तो आपका वर्जन जो है दैट इज टू, जो लोग कर रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, दे आर टू वीक, दे आर नॉट इन पावर, ठीक है, और वो एक रिएक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस जो ग्लोबल रिएक्शन है जिसमें अभी जिसमें दुनिया के सब ऑलमोस्ट काफी मुसलमान मेन स्ट्रीम मुल्कों ने ज्वाइन किया है, और कईयों ने हल्की फुल्की मीठी स्टेटमेंटें दी, कईयों ने सख्त दी, कईयों ने कहा माफी मांगो, कईयों ने कहा कुछ कहा करो, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों सारी दुनिया आपको ये कह रही है अगर आपका वर्जन में इतना वैल्यू है जी। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं चीमा साहब, इसमें नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया 26 तारीख को, रात की डिबेट थी एक खास टीवी चैनल पे, और रहमानी एक तरफ बैठे थे, नूपुर शर्मा एक तरफ बैठी थी, तो ये कहा सुनी हुई दोनों में, जिसने वो बोला इसने वो बोला जो भी बोला, दैट इज वेल नोन। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा बात कर रहे थे किस तरीके से, मतलब भारत ने जो मुस्लिम कंट्री अरब देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से मेंटेन करेगा, और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। मैं पहली बात तो बता दूं, बांग्लादेश के साथ भारत के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छे रिश्ते हैं। बांग्लादेश के जो बहुत सारे लोग हैं जो जमात इस्लामी के स्पेशली लोग हैं, वो भारत से उतनी ही नफरत करते हैं जितने पाकिस्तान के लोग नफरत करते हैं। नफरत की बुनियाद केवल है धर्म, केवल है धर्म। मैंने देखा है वहाँ पे कश्मीर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर CN जो अभी मतलब आपने देखा होगा एक कानून आया था नागरिकता को लेकर, उसको लेकर हो रहे हैं वहाँ पर, हर चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर। जब नवदुर्गा के जो पंडाल हैं उन पर हमले होते हैं, तो बांग्लादेश के मुस्लिम भी कोई मतलब ऐसे कोई बहुत मतलब ऐसा कुछ उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट है, वही है भारत से अलग हुए हैं, उनके अंदर भी वही मानसिकता है, आप चाहे कितना भी कर लें वो सेम ही रहेंगे।
तो आप देख सकते हो सिचुएशन क्या है हाल फिलहाल में, जो कंट्रोवर्सी हुई है टीवी आप देख रहे हो, नूपुर शर्मा का जो बयान था, ऑब्वियसली एक हफ्ते से शिवलिंग को कहीं फुब्बारा कहीं ये वो मोक किया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था हिंदुओं को, लेकिन कब तक शांत बैठा रहेगा भाई? सामने वाले बंदे, सामने वाले धर्म के लोग केवल चाहते कि हमारे हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करो, बाकी हम किसी को जानते ही नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट हम जानते ही नहीं है। तो इस तरीके का होगा तो फिर डेफिनेटली आपसे भी हम सीखेंगे और रिएक्शनरी कुछ बयान आएगा, और वो हो गया। और वो नूपुर शर्मा का कोई बयान ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल था नहीं, वो बात पहले भी जाखिड़ नायक हो या 50 मौलाना बोल चुके हैं, जो लिखा है वही बोला है। अगर वो आपको आपत्तिजनक लग रहा है तो डेफिनेटली फिर आप अपनी थिंकिंग रिविजिट करें और आप छोड़ें उस थिंकिंग।